सन्नाटे को चीरती मिसाइल का शोर हुआ। आवाज से 5 गुना रफ्तार वाली मिसाइलें लॉन्च होने लगी और फिर जमीन पर जोरदार धमाका होता है, इतना जोरदार कि जलजला आ जाता है। आग के लपटों के साथ जमीन का जर्रा जर्रा बिखर जाता है। धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा जाता है। लगभग 50 सेकंड के इस वीडियो क्लिप से दुश्मन का कलेजा कांप उठा। पहली मिसाइल दूसरी मिसाइल तीसरी मिसाइल एक के बाद एक 3 मिसाइलें टारगेट पर छोड़ी जाती हैं और फिर तीनों अपने टारगेट पर कुछ इस तरह गिरती हैं। धमाका नंबर एक धमाका नंबर दो धमाका नंबर 3 धमाका ईरान में किया गया लेकिन इसकी आवाज तेल अभी तक पहुंची। इस ब्लास्ट का शोर हजारों किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में भी सुना गया। इतना जोरदार धमाका था कि नेतन्याहू और बाइडेन का दिल बैठ गया। ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल वार और पलटवार के लिए तैयार। इस घातक हथियार की रेंज, इसकी रफ्तार, सब कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे ईरान अब दुनिया को बताना चाहता है। ईरान की ऐसी मिसाइल का पोस्टर 1 साल पहले छप गया था। तेहरान की सड़कों पर चप्पे चप्पे में पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में मिसाइल की फोटो, साथ में टारगेट का नाम फारसी और हिब्रू में पोस्टर में लिखा था। 400 सेकंड में टारगेट तेल अवीव ध्वस्त। यह है ईरान की फतह 2 मिसाइल, रेंज 1.5 से 2000 किलोमीटर, यानी ईरान से इसराइल तक यह हमला करेगी और इसे रोकना नामुमकिन होगा। क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा, या कहें कि आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार। फतह का फारसी में मतलब होता है विजेता और ईरान इसी नाम के जरिए नेतन्याहू को एक संदेश देना चाहता है। गाजा में हो रही बमबारी और हजारों लोगों की मौत को लेकर ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। सबने सवाल पूछा कि मिसाइल है तो ईरान किस बात का इंतजार कर रहा है। ये बात साफ है कि फतह का टारगेट इसराइल है। पिछले साल नवंबर में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को, यानी IRGC ने दावा किया था कि उसने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है जो महज 7 मिनट के अंदर इसराइल को तबाह कर सकती है, यानी इसराइल को सिर्फ 400 सेकंड में बर्बाद करने का दावा किया गया और अब फतह 2 सबके सामने है। هر هدفی رو که اراده بکنیم به حول قوه الهی دقیق اون رو مورد اصابت قرار بدیم.
تخيفنا ولم تخفنا في الله أكبر الله جندك ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से लेकर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तक सबको जिसका इंतजार था, मिसाइल की दुनिया में ईरान का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर तेल अवीव और पेंटागन की पैनी नजर थी। मिसाइल की ईरान की ताकत देखने के लिए दुनिया बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। खामेनेई ने पहले इसी मिसाइल का एक सीक्रेट अड्डे पर जाकर मुआयना किया और फिर ईरान ने जोरदार बारूदी धमाका करके दोस्त और दुश्मन सभी को अपनी ताकत का सबूत दे दिया। ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की सुगबुगाहट पिछले एक साल से हो रही थी। 6 जून 2023 की तारीख ईरान के इतिहास में पत्थर पर लिखी इबारत बन गई, क्योंकि तब ईरान ने अपने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौजूदगी में पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया। इसे पहली बार दुनिया के सामने पेश किया, मिसाइल का नाम रखा फतह। ये नाम ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने दिया है। रईस जमहूर अमरीका, सदर आजम आलमान, रईस जमहूर फ्रांसे, नखस्त वजीर इंग्लिस, اینا دارن از یه چنین موجودی، از یه چنین هویتی دارن دفاع میکنن و بهش کمک دارن میکنن. این معناش چیه؟ معناش این است که مسئله تبعیض نژادی که امروز یکی از مسائل مهم دنیاست. ایران نے پشم ایشیا میں اپنے مہروں سے اسرائیل کی گھیرا بندی کی ہوئی ہے. ایران بار بار اسرائیل کو دھمکاتا رہتا ہے. ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के डिप्टी कमांडर अली फदावी ने एक बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल के टारगेट पर इसराइल का तीसरा बड़ा शहर हाइफा है, जिसे इसराइल का गेटवे भी कहा जाता है। इसराइल की अर्थव्यवस्था में हाइफा शहर का अहम योगदान है। यहाँ इसराइल का एक पोर्ट है जहाँ समुद्री रास्ते से आने जाने वाले सामान आते हैं। फतह मिसाइल के नजरिए से देखें तो ईरान से हाइफा की दूरी 2000 किलोमीटर है और सीरिया से तो हाइफा की दूरी 600 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन लेबनान से हाइफा की दूरी मात्र 350 किलोमीटर है। फतह 2 मिसाइल 1400 किलोमीटर से भी दूर जा सकती है। ये मिसाइल के वॉरहेड के वजन पर तय होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि अगर ईरान हाइफा को अपनी जमीन से निशाना बनाएगा तो क्या ईरान के पास 2000 किलोमीटर से दूर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जो हाइफा को निशाना बना सकती हैं, या फिर ईरान सीरिया और लेबनान से इसराइल के शहर हाइफा को निशाना बनाएगा। ईरान की सेना और सरकार ने दावा किया है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल के खौफ से अब दुश्मन आंख उठाकर देखने से पहले हजार बार सोचेगा। अमेरिका भी इसराइल को बचा नहीं पाएगा। آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه مشخصاً و بعضی دولت‌های منافق در کنار آنان، اینها یک شکست اخلاقی عظیم را در جهان تجربه کردند، اما آنها باید بدانند هیچ یک از این اقدامات مانعی نیست، عاملی نیست برای نجات صهیونیست‌ها. सवाल है कि क्या गाजा की आग अब तेल अवीव वर्सेस तेहरान में भड़कने वाली है? क्या ईरान अपने दम पर इसराइल को हरा सकता है और क्या फतह मिसाइल ने उसे वो भरोसा दे दिया है? सनाये दिफाई ओ मुशकी ओ निजामी भूमि शुदे वारदाती नीस्त के बेशे बा तहदीद हा व बेशे बा دنبال کردن دشمنان این دانش رو و این صنعت پیشرفته رو حال که سالوں میں ایران پشم ایشیا میں ایک بڑی شکتی بن کر ابھرا ہے ایران نے اپنے ورچسو بڑھانے کے لیے پورے علاقے میں اپنے ساتھ کئی دیشوں کو بھی لامبند کیا ہے ایسے میں کہا جاتا ہے کہ ایران کے فتح 110 مسائل پہلے سے ہی لبنان میں حزب اللہ کے پاس ہے جو آسانی سے حائفہ کو ٹارگٹ کر سکتی ہے
خبریں تو ایسی بھی ہیں کہ ایران نے اپنی فتح 110 اور ذوالفقار بیلسٹک میزائل کو سیریا میں تعینات کر دیا ہے۔